Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, आज हम chapter start कर रहे हैं reproduction in plants. ठीक है, अपनी next class में हम देखेंगे बेटा reproduction in animals. यहाँ पे plants के बारे में हम discuss करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि reproduction क्या है और reproduction क्यों जरूरी है. तो देखो students, लाइफ को, ठीक है, लाइफ टू कंटिन्यू, यहां पे लिख देते हैं फॉर द कंटिन्यूटी, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. सो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बेटा? लाइफ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कंटिन्यूटी नहीं होगी. जैसे स्पेसिस क्या है? मान लो हॉर्स है, हॉर्स एक स्पेसिस है, जेब्रा है, जेब्रा एक दूसरी स्पेसिस है. अगर ये ऑर्गेनिज्म लाइफ को अगर कंटिन्यू करना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो स्पीसीज डिसअपीयर हो जाएगी. जैसे आज से ये आप लगा सकते हो कि 60 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स, कितने स्टूडेंट्स 60 मिलियन ईयर. देखो स्टूडेंट्स, 60 मिलियंस, ये एम 60 मिलियन ईयर्स एगो हमें मालूम है सभी को कि डायनासोर्स थे अर्थ के ऊपर, लेकिन अब वो क्या हो गए? डिसअपीयर. ऐसा मिस्टीरियसली क्या हुआ होगा? हो सकता है आगे उनकी लाइफ कंटिन्यूटी ना हो पाई हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स. तो लाइफ में अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो जैसे डायनासोर्स अर्थ के ऊपर से डिसअपीयर हो गए, उसी तरीके से प्लांट्स भी और एनिमल्स भी डिसअपीयर हो जाएंगे अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. सो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ताकि एक जनरेशन से जो एक न्यू इंडिविजुअल आता है, जो एक बेबी होता है उसको न्यू इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं. तो जो न्यू इंडिविजुअल आना स्टूडेंट, उस ऑर्गेनिज्म से फिर नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, उससे फिर नेक्स्ट. तो इस तरीके से लाइफ क्या रहेगी स्टूडेंट्स? कंटिन्यू रहेगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया, लाइफ को कंटिन्यू भी करने के लिए, कंटिन्यू अपने ही काइंड का सेम स्पीसीज लाने के लिए. ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या है, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज प्रोड्यूस होगी, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज वहाँ प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ वो स्पीसीज कभी भी अर्थ से डिसअपीयर नहीं होगी. तो लाइफ वहाँ पे क्या रहेगी स्टूडेंट्स? कंटिन्यू भी रहेगी. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है रिप्रोडक्शन क्या होती है. रिप्रोडक्शन बोल दिया, दूसरा वर्ड क्या यूज किया था मैंने रिप्रोडक्शन के लिए? मल्टीप्लीकेशन. अब देखो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में है ये टू टाइप्स के होते हैं. एक होती है एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन प्लांट्स में टू टाइप से हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें मान लो कोई भी प्लांट है तो उस प्लांट को सीड की जरूरत नहीं होती. विदाउट सीड
या कह सकते हो नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होंगे, या जहाँ पे न्यू प्लांट आ जाएगा बट विदाउट सीड, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या होगा स्टूडेंट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अच्छा, एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। और डेफिनेशन कौन सी होती है? इन विच गैमेट्स फॉर्मेशन फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। सो जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं? इन विच सीड्स आर नॉट यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स, जैसे हमारे पास प्लांट्स है बेटा, अब हमें एक और न्यू प्लांट चाहिए, तो हम उस न्यू प्लांट को लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे। तो बट सीड हमें यूज ना करके कोई और पार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने प्लांट का स्टेम पार्ट यूज कर लिया, हमने स्टेम लीफ पार्ट यूज करके और फिर हमने उससे न्यू प्लांट बना लिया, या हमने रूट पार्ट यूज करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर लिया। तो ऐसा कोई तरीका हो, बट हम सीड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? सीड्स। अब एक और डेफिनेशन से बोल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, या इन विच गैमेट्स डू नॉट इन्वॉल्व। जहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, हम इसी में चेंज कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? इन विच सीड्स आर used, in which seeds are used to produce new plants, to produce new plants, उसको हम क्या बोलेंगे? Sexual reproduction। या हम gametes के according definition दें तो क्या आएगा? In which gamete formation takes place। So sexual reproduction is that reproduction in which gamete formation takes place and new plant is produced, that is called sexual reproduction। अब देखो जो asexual reproduction इसमें हम पढ़ते हैं vegetative propagation। अब हम पढ़ते हैं reproduction में vegetative propagation। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जहां पे ये लगा लो, ओके। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या होता है? जहाँ पे ये भी किस कौन सा टाइप है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही आता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जहाँ पे प्लांट के किसी पार्ट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। मैंने क्या कहा? प्लांट के पार्ट से। प्लांट का पार्ट कौन सा हो गया? जैसे रूट स्टेम लीव्स। सो इस इन पार्ट से न्यू प्लांट बना ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो तरीका होता है वेजिटेटिव। ये हो गए वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन को वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स?
रूट है, स्टेम है, लीव से, इससे न्यू प्लांट्स बन सकता है, ठीक है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट से जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा उस तरीके को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो द वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स विच the vegetative parts which produce new plants, is called vegetative propagation. So, the vegetative parts which produce new plant, the vegetative part कौन कौन से हो गए, like root, stem and leaves which produce new plants is called vegetative propagation. अब plant के part से, plant के किसी भी part से हमने क्या produce कर लिया, एक new plant। जैसे मैं भी इसका example लेके समझाती हूँ students, यहाँ पे लिखो first। अब हमने मान लीजिए हमें रोज है, कौन सा प्लांट है, रोज। रोज के प्लांट को कभी भी हम सीड यूज करके नहीं लगाते, अगर हमने सीड यूज किया होता तो वो तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता। रोज का प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो प्रोड्यूस नहीं होता, तो रोज प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैंने क्या बताया था आपको, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पे स्टेम से, स्टेम रोज किससे प्रोड्यूस होगा, स्टेम से। रोज की अगर आपने स्टेम काट के लगा दी, सो इसको बाय कटिंग, रोज को कैसे, बाय कटिंग, ठीक है, बाय कटिंग स्टेम, उसको हमने स्टेम को, जैसे ये रोज का प्लांट है, यहाँ पे ये नोड्स निकले हुए हैं, यहाँ पर ये नोड्स निकले हुए हैं, यहाँ पे ये क्या आ गया, रूट हो गया। तो इसको आप स्टेम, इतनी सी स्टेम काट के लगाओगे, उस स्टेम काट के लगाओगे, लेकिन वहाँ पे एक नोड होनी जरूरी है, जहाँ पर एक से कुछ छोटी सी कुछ टहनी सी निकली हुई हो, या छोटा सा यहाँ पॉइंट भी दिखता है, उसको हम बोलते हैं नोड्स। तो अगर एक नोड्स भी होगी तो स्टेम से, जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट कौन सा यूज किया हमने, स्टेम, सो बाय कटिंग, नेचुरल कौन सा हो गया आप कह सकते हैं, बाय कटिंग। तो इन वेजिटेटिव पार्ट को बाय कटिंग, बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। सो बाय कटिंग, स्टेम को जब हम रोज के स्टेम को काट के लगाएंगे तो हमें रोज का एक न्यू प्लांट मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा हमें, रोज का एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो इस तरीके से बाय कटिंग से, ऐसे रोज, देन आप कह सकते हो लेमन, गवावा, देन स्ट्रॉबेरी, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम भी लगाएंगे तो वो लग जाती है। अब नेक्स्ट होता है कटिंग के बाद एक और तरीका होता है लेयरिंग, लेयरिंग। लेयरिंग कैसे बेटा, जैसे मान लो मैंने लिया है जैस्मिन, कौन सा प्लांट लिया है, जैस्मिन। अब तो जैसे जैस्मिन का प्लांट है बेटा, ठीक है, यहाँ पे अभी जैस्मिन का जो प्लांट है, इस प्लांट से ये जो स्टेम निकली होती है ना, इस स्टेम को हम नीचे की तरफ, इसकी स्टेम क्या होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी होती है, तो इसके स्टेम नीचे की तरफ लाकर इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल दें ऐसे, तो आधी स्टेम कहाँ दब गई है, मिट्टी के अंदर। देखो यहाँ पर तो है ये रूट आ रही है इसकी, तो इसकी एक टहनी, जैसे पेड़ से बहुत सारी टहनियाँ निकली होती है, ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है, जैस्मिन प्लांट की, तो उसकी एक स्टेम को हमने यहाँ से ब्रेक नहीं किया, यहाँ से नहीं तोड़ी हम, हमने क्या किया, यहाँ से जुड़ी हुई है और उसके ऊपर हमने एक मिट्टी की लेयर लगा दी थोड़ी सी, तो यहाँ आधी ना निकली है और बाद में आधी
बाकी और निकले हुए हैं, लेकिन इसके थोड़े से हिस्से पे जैसे मुड़ी हुई है ऐसे करके तो उसके थोड़े से हिस्से पे मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रूट स्टार्ट हो जाएगी आगे। जब रूट स्टार्ट आनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे जब इसमें रूट आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो स्टेप बाहर निकली है ये क्या हो गया, जैस्मिन का न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लेयरिंग लगा के कटिंग भी लगा सकते हो स्टेप पे, लेयर भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आज का ये हमने इतना ही कर दिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट इसका बताऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने पूछा था आपसे 60 मिलियन ईयर्स एगो कौन सी स्पीसीज अर्थ के ऊपर से डिसअपीयर हो गए थे। यू हैव टू गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। क्या पूछा है मैंने कि 60 मिलियन ईयर्स एगो कौन सी स्पीसीज अर्थ के ऊपर से डिसअपीयर हो गई थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।